नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर के हालातों को लेकर अब भारत भर में क्रोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने से जो मणिपुर है वो जल रहा है, वहीं 2 दिन पहले जब उसको लेकर एक वीडियो सामने आता है जिसमें 2 महिलाएं जो है उनको निर्वस्त्र कर जिस तरीके से जो है पूरे रोड पर घुमाया जा रहा है, उनसे परेड की जा रही है, उस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश का दिल उस वीडियो को देख कर जो है वो दहला सा गया है। आपको बता दें, जिस तरीके के हालात वहां मणिपुर में बने हुए हैं उसको लेकर देश भर में अब चर्चाएं होने लगी। इससे पहले ये चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया है तब से देश का हर नागरिक मणिपुर के मुद्दे को लेकर जो है अब बात करने लगा है। क्या हमें इन्हीं सब चीजों का इंतजार रहता है, जबकि मणिपुर जो जल रहा है उसको 2 से 3 महीने हो गए हैं और वो लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन जब ऐसा एक वीडियो आया जिसने पूरे देश भर में कोहराम मचा दिया, उसके बाद हर एक आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं मणिपुर की बात करता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वह महिलाओं के साथ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ उसके अगले दिन से ही हमारे देश का जो संसद का मॉनसून सेशन है वो शुरू होना था, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। उन्होंने मणिपुर को लेकर बात कही, उन्होंने कहा कि मैं क्रोधित हूँ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। साथ ही जब मॉनसून सेशन का फर्स्ट सेशन जो है वो शुरू हुआ पार्लियामेंट में, उसमें भी मणिपुर को लेकर कई हंगामा हमें देखने को मिला। ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से मणिपुर को लेकर मुद्दे उठाए गए, वहां पर बातें की गई और चिल्ला चिल्ला कर जो है वो मणिपुर जो है वो पूरे संसद में वो मणिपुर शब्द जो है वो गूंजा। आपको बता दें, इसको लेकर ही वहां पर मॉनसून सेशन जो है उसको चलाने में बहुत दिक्कतें आई, और वहीं दूसरी पार्टी का कहना है कि मणिपुर पे भी चर्चा होगी लेकिन जरा शांति के साथ, ऐसे हो हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनका एक वीडियो सामने आता है और वो कहती हैं कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुए हैं और जो लोग उसमें ये सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये वीडियो कौन से देश का है, क्योंकि भारत देश में तो ऐसा नहीं होता है, और अगर भारत देश में ऐसा हो रहा है तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ममता बनर्जी मोदी सरकार पर सवाल उठाती है और संसद में इस बातों को लेकर, ठीक से चर्चा ना करने को लेकर भी कई बातें कहती है। वो क्रोधित भी नजर आती हैं और वो जनता से क्या क्या कहती हैं, चलिए आपको सुना देते हैं। कि हमारा आज सबसे दुख है, सबसे ज्यादा शर्म का बात है, मणिपुर को जो वीडियो वायरल हो गया, जो चर्चा में हुआ, उसको ब्लॉक कर दिया तो ठीक है, लेकिन जिसको देखना हो तो पहले देख लिया। एक रेप केस को कोर्ट का ऑर्डर है कि आप देखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने देखा सेकंड के लिए भी, जब तक तो था वीडियो वायरल वीडियो में, हमें लगा एक कौन देश है, जो देश में मां बनकर इज्जत लेके खिलाड़ी होता है। आवर हार्ट इज बर्निंग, आवर हार्ट इज क्राइंग, एंड भाजपा लीडर लोगों ने आज अपना का बात करते हैं, हम लोगों को गाली देता है। एक बार की आप लोगों ने सोचा, महिलाओं को साथ जो जिसको इज्जत लुंठन किया है उसका खिलाफ में देश का बीजेपी नेता लोगों को क्या कहना है? इट्स अ सिन, इट्स अ डिसग्रेसफुल। इंडिया इज फाइटिंग द बैटल अगेंस्ट ऑफ दिस एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, दलित, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी and all the communities inclusively. India stands for Manipur, India stands for peace, India stands for unity. So we are also talking each other if any opportunity comes. We some chief ministers wants to visit Manipur if the other parties are agreed. Next, I will speak tomorrow. So, thank you so much for waiting so long. Jai Hind,
जय इंडिया, जय बांग्ला। देखिए उन्होंने मणिपुर का बात कर, मणिपुर को बात किया, उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसे नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं। हमारे असेंबली बोलने के लिए भी साइन नहीं करते हैं गवर्नर लोगों ने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक गवर्नमेंट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर को बुलडोज कर दिया, लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो ही होता है ना, तो हर धर्म और कास्ट और ईस्ट को लेके काम करते हैं। जब बाहर में जाते हैं लोगों ने क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वी आर फॉर ऑल, बट नो और नॉट एट ऑल, यू आर ओनली फॉर वन पार्टी रूल एंड दैट इज कॉल्ड द एट्रोसिटी टेरिबल। आज ये लोग संकास का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आवर फुल टीम, ऑल द पार्टीज टुगेदर, वी स्टैंड फॉर यूनिटी एंड वी आर फॉर मणिपुर। इंडिया इज फॉर मणिपुर। बंगाल तो है ही है, इट इज माई नेबरिंग स्टेट। एंड ऑल्सो आई सेंड ए डेलीगेशन फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस। दे हैव विजिटेड, दे हैव ऑलरेडी टॉक टू द पीपुल, दे हैव विजिटेड द कैंप्स ऑल्सो। I have written a letter before few days ago, first, that I want to visit, please give me the permission. But not yet I have got the permission. I have given the written noted letter, they said only noted. Noted ka matlab kya hota hai? Phir hum jayenge to kahenge ki ye log aaj ja ke violence kar liya. I don't want that. We want peace. That's why it is better if we, some chief ministers from India, we can go and we can meet the people. That will be very nice. तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ ममता बनर्जी ने उस वीडियो को उठाते हुए एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस वक्त मणिपुर में सरकार में है। आपको बता दें वहां के जो सीएम है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, महिलाओं को यूज किया जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो केंद्र सरकार को तलब किया है और ये कहा है कि मणिपुर में महिलाओं को एक सामान की तरह यूज किया जा रहा है। वहां पर महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और केंद्र सरकार वहां पर क्या कर रही है, राज्य की सरकार वहां पर क्या कर रही है, उसकी रिपोर्ट हमें सौंपी जाए। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है। आपको बता दें कि मणिपुर में जिन भी लोगों ने ये काम किया, ये कांड किया, उनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। उसके जो मुख्य आरोपी हैं उसको पकड़ा जा चुका है और अब उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। मणिपुर के सीएम का कहना है कि उसको मृत्यु दंड तक की सजा जो है वो दिलाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।